जी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा पूरी जो मेन इवेंट्स की दो फाइट थी उस वक्त। सबसे पहली फाइट की बात करते हैं, हामजात और रॉबर्ट। मुझे लगा था कि भाई रॉबर्ट विटेकर जीत जाएंगे, लेकिन हामजात जो हैं पहले राउंड में उन्होंने सबमिशन विन ले ली और रॉबर्ट विटेकर का जो जॉ था वो ब्रोक हो गया। मेरी दोनों ही प्रेडिक्शन जो हैं वो गलत गई हैं भाई। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तो उसका लग रहा है, मेन इवेंट मैक्स हॉलोवे जिस तरह से नॉकआउट हुए हैं। उनका कैरियर जो था बहुत ही अच्छा है और 32 साल की उम्र है उनकी और अभी भी वो स्टिल रन करेंगे टाइटल फाइट के लिए। लेकिन मुझे लगता था कि भाई ये उनका मोमेंट है और वो काफ़ी टाइम से मतलब डिज़र्व करते थे ये फेदर वेट टाइटल को जीतना। और इलिया टिपोरिया और उनसे बैटर मैन थे और उनके पास वो पावर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हाँ वो पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ के फाइट करते हैं। इसके बाद हमें बात करेंगे क्या हामजा चिमाइव को टाइटल शॉट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जी अभी थोड़ा सा वक्त और है, हामजात को टाइटल शॉट थोड़े वक्त के बाद मिलेगा। मुझे लगता है कि स्ट्रिकलैंड और DDP की फ़ाइट होगी, उसके बाद हामजात से फाइट करेंगे जो भी उसका विनर होगा। और मेरे ख्याल से इसराइल एंडेसानिया के साथ हामजात की अगली फ़ाइट हो सकती है और वो एक सुपर फाइट होगी जिसे हम सभी देखेंगे। और अभी मेरा गला थोड़ा सा डाउन है और आज संडे मॉर्निंग थी तो UFC देख के थोड़ा सा मूड भी मेरा स्टिल ठीक है। तो इलिया टिपोरिया ने सबसे बड़ा जो अपनी कैरियर की अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया भाई, मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट कर दिया। उन्होंने को मैक्स हॉलोवे को आज तक कोई नॉकआउट नहीं कर पाया, इतने सारे लेजेंड्स जो UFC के उन्होंने ट्राई किया लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इलिया टिपोरिया इज़ द फर्स्ट मैन टू नॉकआउट मैक्स हॉलोवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इलिया। और वो पहले ही राउंड में उन्होंने अपनी पावर शो कर दी थी और लेग्स को शूट करके और रेसलिंग की थी, वो बहुत ही अच्छी थी। अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना स्किल सेट को इम्प्रूव किया। सेकेंड राउंड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी मैक्स हॉलोवे ने, तो थर्ड राउंड में अनफॉर्चुनेटली मैक्स हॉलोवे ने इलिया टिपोरिया को वो गैप दे दिया जिसकी उसको ज़रूरत थी। और इलिया ने कोई भी टाइम वेस्ट ना किए, अपना जो रेज है रेज के साथ पंचिंग की और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना लेफ्ट हुक जो था वो दिया और मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट कर दिया। और इलिया टिपोरिया की अगली फाइट होगी अलेक्सेंडर वोल्केनस्की की से, और ये अलेक्सेंडर डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने 7 बार अपनी टाइटल डिफेंड की है। इस फाइट को कई लोग बोरिंग कहेंगे, कहेंगे ये फाइट फिर से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यार अलेक्सेंडर जो थे वो पहले ही रिकवरी वाले जोन में थे। राइट नाउ ही डिजर्व्स मोर देन एनीवन। अगर उन्होंने अलेक्सेंडर को दोबारा से बीटअप कर दिया तो इस्लाम से वो सुपर फाइट के लिए केपेबल हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो खुद देख रहे हैं कि वो एक डिवीज़न ऊपर जाके अपना टाइटल फाइट करें। लेट्स सी अब आने वाले जो साल है उसमें डबल चैम्पियन कौन मिलता है, एलेक्स पेरेरा, इस्लाम अकजब या फिर इलिया टिपोरिया। आने वाला साल बहुत ही बढ़िया होने वाले है। और इस फाइट्स की बात करूँ तो ये फाइट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहीं, रिदम में रहीं और एक शावकत जो है जो कि अपने एक आँख से लड़ते हैं, उन्होंने बहुत ही कमाल तरीके से अपना दूसरे राउंड में स्पिनिंग बैकफिस्ट दी। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि कोई फाइटर दागिस्तान से रिलेट करता हो और उसको रेसलिंग ना आती हो। आई होप वो टाइम के साथ इम्प्रूव करेंगे, वो डैमेज बहुत लेते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये वीडियो शॉर्ट और यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।